हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रवीर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि HUF क्या होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको HUF बना के आपको इनकम टैक्स में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके साथ में हम बात करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो HUF कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि HUF आखिर होता क्या है। तो गाइज, HUF एक पार्टनरशिप की तरह होता है, बट पार्टनरशिप में जो है जो बाहर के मेंबर्स रहते हैं वो भी बाहर के लोग जो रहते हैं वो भी आपके पार्टनर बन सकते हैं, बट HUF में जो है जो फैमिली के मेंबर्स हैं वही सिर्फ आपके पार्टनर बन सकते हैं या फिर मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो HUF में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कर्ता होता है जो कि फैमिली में जो भी एल्डर पर्सन है वो बेसिकली जनरली कर्ता होता है और वो जो है सारे डिसीजन लेता है HUF के बारे में, और बाकी लोग जो है उसको बोलते हैं कोपार्टनर्स। तो वो ऑफकोर्स अपनी राय रखते हैं और लेकिन मेन जो डिसीजंस लेता है वो जो करता लेता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कि स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपको जो है इसका कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो गाइस, मान लीजिए आपका इनकम जो है 540,000 रुपये है, ठीक है, और उसमें जो है 60,000 रुपीज़ आपका जो है FD का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, FD का इंटरेस्ट आप में 60,000 आपको आ गया, तो इसकी वजह से आपका इनकम जो है 5,40,000 हो गया। लेकिन अगर आपका FD का इंटरेस्ट निकाल दे तो आपका इनकम कितना हो जाता है, 4,80,000 रुपीज़, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो इनकम है वो आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट है 5,00,000 रुपीज़ उसके ऊपर जा रहा है। बेसिकली एग्जम्पशन लिमिट तो सिर्फ 2,50,000 है, बट 2,50,000 से लेके 5,00,000 रुपीज़ तक आपको 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है। तो उससे आपका जो नेट टैक्स है वो ज़ीरो आ जाता है 5,00,000 रुपीज़ तक, ठीक है। बट इस 60,000 रुपीज़ की वजह से आपका जो इनकम वो स्लैब के ऊपर जा रहा है और आपको 12,500 रुपये तो मिनिमम भरना पड़ रहा है। तो आपने अगर ये FD का इंटरेस्ट जो आपको आपके अंडर क्लब हो रहा है तो इसको निकाल के आप अगर HUF के नाम से डालेंगे तो आपका जो इनकम है वो स्लैब के अंदर आ जाए, मतलब आपका पूरा का पूरा 12,500 तो बच ही जाएगा। उसके साथ में HUF में भी आपको जो है टैक्स नहीं आएगा बिकॉज उसकी लिमिट भी 3,00,000 रुपीज़ है। तो इस तरीके से आपको दोनों इसमें टैक्स नहीं लगेगा और आपका जो है बहुत 12,500 तो मैक्सिमम मिनिमम बच ही जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, बचेगा ही आपका पैसा, बट थोड़ा सा आपका जो खर्चा करना पड़ेगा वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का HUF का, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको 1,000 से 1,500 रुपये लगेगा, बाकी तो आपका 11,000 रुपीज़ तो बच ही रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो। इस तरीके से आपको टैक्स में जो है फ़ायदा हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको जो है कैसे इसको HUF को बनाना है। तो गाइज, आपको HUF बनाने के लिए एक पैन कार्ड बनाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको बैंक में अकाउंट बनाना पड़ेगा HUF के नाम का, और बस हो गया आपका HUF। पैन कार्ड आपको ऑनलाइन आप बना सकते हो, उसके साथ में पैन कार्ड लेके आप जो है बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। उसके साथ में गाइज, आप जो है एक HUF DD भी बना सकते हो, जो कि कंपलसरी नहीं है बट आपको जो है प्रेफरेबल है बिकॉज फ्यूचर में आपके वो काम आ सकती है। अभी आपको HUF डीड बनाने के लिए आपको जो है कोई भी लॉयर के पास अगर आप जाएंगे तो वो बहुत ही सस्ते दाम में आपको HUF डीड बना देगा, बहुत ही कम फीस लेके आपको एक HUF डीड बना देगा। तो इस तरीके से आप HUF बना सकते हो गाइस। और HUF बनाने के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए कि आपको कैसे बनाना है। जो भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी हिंदू रिलीजन में आते हैं उनके लिए ही HUF है, वही HUF बना सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। इसके साथ साथ में मैं जो है शेयर्स के रिलेटेड भी वीडियोज़ डालता हूँ। अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से कोई शेयर मुझे अच्छा लगता है गाइज, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ और अपने चैनल पर डालता हूँ। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।